हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अंडे का दो प्याज़ा बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने 5 अंडा लिया है, 1.5 पाव प्याज ली है, और दो प्याज़ा है ना, तो इसलिए प्याज थोड़ा ज़्यादा लिया हमने, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा उसको हमने कूट करके ले लिया है, और लहसुन भी हमने कूट करके लिया है। तो दोनों मिला करके 1 चम्मच अदरक का है और 2 चम्मच लहसुन का है, और 1 टमाटर हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से, और कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब भी अपने हिसाब से ही लेंगे। तो हमने 1-1 चम्मच लिया। तड़का के लिए लाल मिर्च, तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ कढ़ाई रख देंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेल गर्म हो गया है तो ये डाल देंगे हम तड़का के लिए जो लिए थे लाल मिर्च, तेज़पत्ता और दालचीनी। अब हम प्याज डाल देंगे, प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा कम ही, जब कलर चेंज हो जाएगा तभी हम वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इस तरह से आप ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इसको भी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम डालेंगे टमाटर और साथ में डालेंगे नमक, और इसको हम ढक करके भूनेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। ये देखिए 2 मिनट ये भी भून गया है, तो अब हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। अगर आप चाहें तो सूखा मसाला जो है उसको पानी में पहले से भिगो करके रख दें तो और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए हमने सूखा मसाला डाल दिया है। ऐसे भी टेस्टी बनता है, लेकिन अगर भिगो करके बनाओ तो और ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम मसाले में मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी ढक करके भूनेंगे, और जब मसाला भून जाएगा ना तब हम अंडे की सफ़ेदी पहले डालेंगे। जर्दी हम अलग कर लेंगे, सफ़ेदी अलग कर लेंगे, पहले सफ़ेदी डाल करके सफ़ेदी को जमा लेंगे, उसके ऊपर से फिर जर्दी डालेंगे, ऐसे बनाएंगे हम। ये देखिए हमने अलग अलग कर दिया है सफ़ेदी और जर्दी, तो अब हम सफ़ेदी जगह जगह डाल देंगे, थोड़ा सा ऐसी स्पेस बनाएंगे, उसके बाद डालेंगे जगह जगह, और फिर उसके बाद सफ़ेदी डालने के बाद हम ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सफ़ेदी जम जाए। ये देखिए हमने सारी सफ़ेदी डाल दी, अब हम ढक्कन लगा करके 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है करीब करीब, तो अब हम खोल करके ऊपर से जर्दी डालेंगे। ये देखिए सफ़ेदी जम गई है, तो अब उसके ऊपर से हम जर्दी जगह जगह डाल देंगे, जहाँ जहाँ हमने सफ़ेदी डाली है वहीं वहीं जर्दी डालेंगे। हमने 5 अंडा लिया था, 5ों की जर्दी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डालेंगे, और फिर जर्दी डालने के बाद फिर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको, ताकि जर्दी भी जिस तरह से सफ़ेदी जम गई है उस तरह से जर्दी भी सफ़ेदी के साथ जम जाए। दो मिनट हो गया था, अब हम इसको पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ का भी जम जाए, अच्छे से पक जाए, और एक एक अंडा बिल्कुल अलग अलग होता है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। और जब ये इसको भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर ऊपर से हम धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती डालने से उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है, टेस्ट और बढ़ जाता है, और अच्छा भी लगता है दिखने में भी। ये देखिए अब हम ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देंगे, और धनिया की पत्ती डालने के बाद कम से कम 30 सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट के लिए हम ढक करके इसको भाप में लगा देंगे। उसके बाद अब ये देखिए हमारा अंडे का 2 प्याज़ा रेडी है, और अब हम सर्व करेंगे। देखिए कितना टेस्टी, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है,
तो फ्रेंड्स अपना खूब सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।